हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू गुड एंड हेल्थ वाइज आल्सो गुड। यस, आज हमारे पास एक नेट वाला टॉपर है और वो कट गया है बाजू में से, आस्तीन में से। ये देखिए, काफ़ी बड़ा होल, काफ़ी बड़ा कट गया है। तो हम देखेंगे कि इसको घर पर रहकर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास सेम कलर का थ्रेड होगा, सीजर है ही, और नीडल रहेगी हमारी 10 नंबर की नीडल ठीक रहती है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है, बिल्कुल। तो हम देखेंगे, पहले तो ट्रिक देख लेते हैं कि नीडल आई के अंदर थ्रेड को कैसे इंसर्ट करेंगे। ये देखिए कितना आसान हो गया है, कितना मुश्किल काम। फिर भी देखिए, दोबारा देखिए। जी हाँ, जब सुई में धागा डल जाता है तो ऐसा लगता है कि हमने 50% काम कर लिया है। जी हाँ, बड़ा पेचीदा काम होता है नीडलाई के अंदर धागे को इंसर्ट करना। थोड़े से इसकी ये जो धागे हैं, एक्चुअली वो इलास्टिक थी, वो हमने काट ली है। ये स्ट्रेचेबल है टॉपर। मार्केट में कई तरह के टॉपर अवेलेबल हैं जो आजकल चलन में हैं, और किसी न किसी वजह से ये कट गया है। कैसे कटा है नहीं मालूम, लेकिन इसे रिपेयर कैसे करना है ये हमें मालूम है, और कैसे रिपेयर हो सकता है ये हम आज की वीडियो में सीख जाएंगे देखकर। बिल्कुल देख लीजिए, ऐसे ही बनाएंगे। इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है, हल्की हल्की एकदम महीन बारीक सिलाई होती है, क्योंकि नेट होता है, नेट में और रफू जो बुनाई होती है वो बुनाई नहीं चलती, उसको वैसे ही मिलाकर बनाना पड़ता है। और चूंकि ये तो बहुत ही आसान है, इसलिए ज़रूरत है बस इसे लर्न करने की कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। आज हमें पता चल ही गया है कि घर पर रहकर इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, देख लीजिए, रफू करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर सीख जाते हैं तो आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही हमें बारीक बारीक सिलाई करनी है, और जब ये पूरा बन जाएगा तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये यहाँ से इतना बड़ा कटा हुआ था। जी हाँ, देखिए, और नेट किसी भी तरह का हो उसमें तो बहुत ही कम पता चलता है, सिलाई भी कम पता चलती है, रफू कर दें तो वो भी पता नहीं चलता। नेट किसी भी तरह का हो, बिल्कुल देख लीजिए ये कैसे कटा है, इतना बड़ा कट कैसे लगा है, ये तो जिसका है वही जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, हम इस चैनल पे यही दिखाते हैं कि घर पर रहकर हमारे जो कपड़े होते हैं, सबके पसंदीदा कपड़े होते हैं जो पहनते हैं, कहीं ना कहीं से किसी वजह से वो कट जाते हैं, फिर उसे रिपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमें रिपेयर करना नहीं आता है तब तो हम देखते हैं कि ये रिपेयर कहाँ से होगा। जी हाँ, लेकिन अब हमें पता चल जाएगा इस वीडियो को देखकर कि अगर हमारे पास कोई नेट वाला फैब्रिक हो, अगर वो कट जाए तो उसे हम घर पर रहकर कैसे रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल देख लीजिए, मुश्किल तो वैसे कुछ भी नहीं होता, जब तक हम कर ना लें वो मुश्किल ही लगता है, लेकिन करने के बाद कोई भी मुश्किल काम हो हमें आसान लगता है। ये देखिए, ट्रिक देख लेंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ये देखिए, किसी भी काम को जो हम सीखते हैं उसमें प्रैक्टिस तो जरूरी होती ही है परफेक्शन के लिए। ये देखिए, बड़ा आसान काम तो नहीं है ये, लेकिन आप आसान कर सकते हैं इसे सीख कर। और ये देखिए,
देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही हमें सीक्वेंस में काम करना होता है। अगर ज़्यादा कपड़ा अंदर चला जाएगा तो फिर वो एक सल सा दिखता है, सलवटे सी दिखती है। हमें बराबर से एक सार से कपड़ा इसको लेना है और इसकी रिपेयर करनी है। देख लीजिए, हमारे घर में कई तरह के कपड़े होते हैं, कट जाते हैं, हम उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं, इस चैनल पर यही दिखाया जाता है। देख लीजिए, इस चैनल पर इसी तरह के कंटेंट आपको दिखाए जाते हैं कि हम घर पर रहकर कितना मुश्किल काम को कितनी आसानी के साथ कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी तक आपने हमारे हैंडवर्क क्रिएटिविटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हर बार आपको नए कंटेंट सबसे पहले मिले। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हर वीडियो में हर फैब्रिक अलग होता है, उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं ये जान लेते हैं हम, सीख जाते हैं तो आसान हो जाता है। हमारे घर के बच्चे भी हैं जो कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कट ज़्यादा जाते हैं, फट ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है कि लेकिन कोई नहीं, हम जानते हैं कि कैसे रिपेयर होते हैं तो और रिपेयर कर सकते हैं घर पर। ये देख लीजिए, लगभग हमारा आधे से ज़्यादा काम हो गया है, ये थोड़ा और बचा है। बिल्कुल ऐसे ही, जब आप रफू करना सीख जाते हैं, महीन बारीक सिलाई करना सीख जाते हैं, तो हमारे घर में किसी भी तरह का फैब्रिक हो आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, हम थ्रेड को काट देंगे, थोड़ा ही बचा है। ये देखिए, ट्री देख लेंगे, यस, नीडल आई के अंदर थ्रेड को इंसर्ट करना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, और ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब हमसे वो नहीं होता है। लेकिन ट्रिक अगर हमें मालूम होगी तो हम आसानी से नीडल आई के अंदर थ्रेड को इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम लगभग होने ही वाला है, थोड़ा और बचा है। देखते रहिए, आज का ये वीडियो हमारा लंबा हो गया है, क्योंकि काम भी हमारा ज़्यादा था तो उसे कवर करने में हो ही जाता है, समय लग ही जाता है। लेकिन कोई नहीं, हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है, ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो बिल्कुल। ये देखिए, ये लगभग होने ही वाला है, हमारा काम आसान हो गया है, क्योंकि हम सीख गए हैं आज कि अपने घर पर नेट के फैब्रिक को अगर वो कट जाए तो कैसे रिपेयर कर सकते हैं। देख लीजिए, लगभग हमारा बन ही गया है। लास्ट में जो है हम थोड़ा इसे धागे से रोक देंगे ताकि ये फंदा नहीं निकले, और धागों को ठीक से काट लेंगे। ये देखिए, आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपने रिपेयर कहाँ से किया है, क्योंकि डिज़ाइन ऐसा है और फैब्रिक ऐसा है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कपड़े के साथ, कुछ नया सीखेंगे। अपना ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी। गुड बाय।